सत श्री अकाल वॉइस ऑफ पंजाब टीवी दे नाल जुड़े हुए तुसी अज 5 नवंबर नूं पंजाब दीआं समूह किसान जथेबंदियां अते भारत दीआं सारीआं किसान जथेबंदियां ने केंद्र द्वारा पास किए गए 3 खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ 12 बजे तो लैके 4 बजे तक लगभग 4 घंटे का जिहड़ा चक्का जाम की कॉल है वह दित्ती हुई सी। इस वक्त असी अंबाला तो चंडीगढ़ हाईवे के उत्ते खड़े हुए हैं, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पहुँची हुई है। तुसी देख सकते हो कि लालड़ू तो पहला इस हाईवे के उत्ते एहतियातन पंजाब पुलिस द्वारा सड़क नूं पहले ही बंद कर दिता गया। हालांकि जिहड़ा किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन है, किसानों का जिहड़ा जाम है, वो इस तो लगभग 1.5 किलोमीटर अगे शुरू किया गया, परंतु पंजाब पुलिस द्वारा एहतियातन कदम चुकया गया, सुरक्षा के मद्देनज़र कदम चुकया गया। इतों जिहड़ी भी ट्रैफिक दिल्ली तो माफ़ करना चंडीगढ़ तो जिहड़ी ट्रैफिक आ रही है, जिहड़ी ट्रैफिक अंबाला तो या दिल्ली तो आनी है उस ट्रैफिक नूं उधर रोक दिता गया। इधरों पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र, क्योंकि अगे किसानों ने जाम लगाया हुआ, इतों ट्रैफिक नूं डाइवर्ट भी किया, रोक भी दिता गया। तुसीं देख सकते हो कि चंडीगढ़ तो आने वाली सारी की सारी जिहड़ी ट्रैफिक है उसनों वापस या तो चंडीगढ़ वाल भेजा जा रहा, जां फिर जिहड़े बदलवें रस्ते जिहड़े कि सब रूट हो सकते हैं या पिंडां दे विच दी जिहड़ियां सड़कां जांदियां ने उधर की सारी ट्रैफिक नूं डाइवर्ट करन की कोशिश की गई है। इत्थे एक गल समझण की लोड़ है कि जदों समूह किसान जथेबंदियां ने कई दिन पहलां दा ऐलान किया होया, मीडिया दे विच खबरां आ रही ने, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, वैब मीडिया सारिआं दे राहीं यह खबरां लगातार नशर हो रही ने कि भारत की पूरी किसानी, खास तौर पर पंजाब अते हरियाणा की पूरी किसानी जिहड़ी है उस संघर्ष के राह पर पई हुई है। तो अज की जी बंद की कॉल है, अज की 12 बजे तो लैके 4 बजे तक जी चक्का जाम की कॉल है, वो जो पहुंची हुई थी सारे लोगों तक, फिर समझ की गल है कि लोग भी किसानों के नाल कितने ना कि सहयोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि मानते हैं कि सब दे आपो अपने निजी कारोबार, सब दे आपो अपने निजी काम हो सकते हैं, पर फिर भी जो एक कॉल दी गई थी कि 12 बजे तो लैके 4 बजे तक तो चक्का जाम है, तो फिर लोगों को अपने घर के बैठना चाहिए सी, फिर अपन जड़िया मंजिलों वाल पहुँचना है उस दे लई लोगों नूं पहला निकलना चाहिए सी। समझण वाली गल, बसा बंद कर दित्तियां गईआं ने, बसा साइड दे उत्ते लग गईआं ने, जां जिहड़ियां बसा चंडीगढ़ तो आ रही सी जां जिहड़ियां दिल्ली जां अंबाला तो आ रही सी उधर दी उधर रोक दित्तियां गईआं ने, चंडीगढ़ वालीआं बसा रस्ते दे उत्ते रोक दित्तियां गईआं ने, जां फिर वापस जिहड़ियां अपने बस अड्डे वल नूं भेज दित्तियां गईआं ने। इस तों अगलेरीआं जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि पंजाब पुलिस दे मुलाजम लगातार अपनी ड्यूटी नूं करदे हुए नज़र आ रहे ने एहतियातन। सर सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? नरिंदर सिंह जी, थोड़ा जिहा तुसी पहला ट्रैफिक रोक दिती है, ये की एहतियातन ये कदम चुके गए हैं ताकि सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखिया जाए ते लोगों नूं भी परेशानी दिक्कत ना आवे? कुछ जिहड़े जाण वाले लोग ने सही रस्ते चले जाण, पहला ही ITI चौंक तो पिछों सीनियर अफसर का फोन आ गया सीगा ते उन्होंने डिवर्शन देती है, पहला ही डिवर्शन देती तां जो प्रॉब्लम ना आवे। ते इधर ये लोगों नूं किहड़े रस्ते वल डाइवर्ट कीता आपां? ये धर्मगढ़ हो के बनूर निकल जाणगे जी, इसे करके कदम चुके हुए ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना आए जी। बहुत जल्दी वाला है तो उन्होंने कहा बरवाले को डिवर्शन दे, हरियाणे को फिर निकल सकते हैं, ITI चौंक च मेन बंद है जी। सो साफ तौर के उत्ते सरदार नरिंदर सिंह द्वारा दस्या गया जिहड़े इत्थे ट्रैफिक की जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि इधर बनूड़ वालों रास्ता कर दिता गया, तो जे हरियाणे वाले एंटर करना तो बरवाला वाला जो रास्ता है तुम्हें वो हरियाणे के एंट्री जी है उस पॉइंट तो मिल सकती है। पर फिलहाल वॉइस ऑफ पंजाब टीवी के उत्ते तस्वीर तुम जाम दी लंबी देख सकते हो कि जाम लग चुके हैं, लोगों को अपने घर के बैठना चाहिए सी, किसान जथेबंदियों के संदोलन में सहयोग करना चाहिए सी, पर फिर भी लोग सड़कों के उत्ते निकले हुए हैं। पर पंजाब पुलिस सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों डाइवर्ट रूट ने जिहड़े उन्होंने राही अपन मंजिलों तक पहुँचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस तो बाद अगलेरिया जिहड़ियां तस्वीर होणगियां तो जिथे ITI चौंक जिहड़ा लालड़ू के जिहड़ा हरियाणा ते पंजाब की जिहड़ी एंट्री है उत्थे जिहड़ा जाम किसानों द्वारा लगाया गया, किसान जथेबंदियों द्वारा लगाया गया उस जाम दी तस्वीर तुहानू विखावांगे, किसानां नाल गलबात करांगे, उत्थों दे राहगीरां नाल गलबात करांगे, वेखांगे कि राहगीरां नूं वी किन्नियां मुश्किलां आ रहीआं ने ते किसान अपनियां मंगां दे उत्ते किस तरीके नाल किवें किवें अड़े होए ने ते डटे होए ने। कुल दुनिया के कीर्ति कामे विद्यार्थी किसान जिंदाबाद।
प्यारे दर्शकों, इस वक्त असी उस चक्का जाम के उत्ते खड़े हैं जिहड़ा दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ नैशनल हाईवे है जिहड़ा उस दे उत्ते किसानां दी जिहड़ी कॉल सी 5 नवंबर दे चक्का जाम दी। साडे नाल इस वक्त डॉक्टर प्रदीप रामगढ़िया ने जिहड़े एक्टिविस्ट ने पिछले 20-21 सालां तों लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिहड़ी लड़ाई किसानां दे मजदूरां दे ते समाज दे विच विज्ञानक सोच नूं उभारन दी जिहड़ी लड़ाई है जां सत्ता जदों कोई गलत फैसले करती है जिहड़े फैसले आम लोकाई आम लोगों के हक के नहीं होंगे उन्होंने फैसलों को लगातार चुनौती देते रहते हैं। डॉक्टर प्रदीप रामगढ़िया गलबात करते हैं क्योंकि धरने के खास तौर के उत्ते उचेचे तौर के उत्ते पहुँचे हुए हैं। इस तो पहले यह अपनी जी गलबात वो भी किसान भरावान के नाल सांझी करके हटे ने। डॉक्टर प्रदीप रामगढ़िया जी, तुसी अजकल जी गल चला रहे हो वो ये चला रहे हो कि जदों तो भाजपा सरकार ने या प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान जिहड़ा भी पंजाब का या हरियाणे का जिहड़ा पराली अक्सर असी जलाने उहदा जुर्माना उन्होंने सीधे 1 करोड़ रुपया करता जिहड़ा कि मतलब सोच समझ पहुँच बंदे की जमीर तो भी बाहर है। जमींदार तो बेचारा तेल का ड्रम भराउण वास्ते भी गिरवी रखता बहुत कुछ गहने रखता। तुसी वकालत कर रहे हो पराली जलाउण दी, इहदा जिहड़ा कोई विज्ञानक तत्थ है तुहाडे कोले विज्ञानक आधार है? नहीं तो हरेक बंदा हवा च गल कर दूगा पराली मैं जला दूं। उहदे विच इस तरह है जी, मतलब मोटी मैं थोड़ा छोटा जिहा सवाल जवाब दिंदा कि जिस वेले जीरी बीजी जाती है वो एक बिल्कुल प्योर पानी हुंदा, और जब भी मलेरिया या डेंगू फैलता वो जिहड़ा प्योर वाटर हुंदा ना उहदे विच ही आके जिहड़ा मच्छर पैदा हुंदा वो बीमारी नूं फैलाउंदा। अगर किसान जिसले उपरों जीरी कटदा कटण तो बाद उहदे थल्ले सिल हुंदी आ, उस सिल दे विच जिहड़ा मच्छर है वो मच्छर पैदा हुंदा जिहड़ा कि साडे बीमारियां पैदा करदा। उस दे वास्ते तुसी अगर देखोगे जिस वेले किसान जलाउंदा तो उहदे नाल वो जिहड़े कीट छोटे छोटे कीड़े वगैरह आ मच्छर आ वो जलदे आ, वो जलन तो बाद क्या हुंदा उह तां किसान दी जिहड़ी अगले वारी फसल सेफ हो जांदी आ। दूसरी चीज़ यह है कि जिस वेले मच्छर मर जांदा साडे वास्ते ये बेनीफिट आउंदा कि उहना मलेरिया और डेंगू नहीं हो सकता। ये नाल तो फिर यह भी है ना कि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म होंदी है क्योंकि जमीन की जिहड़ी सतह वो तो मचदी हो ना? नहीं, उहदे विच मैं तुहानूं दसदा क्योंकि जिस वेले भी ये जल्दी है ना पराली जलन तो बाद ये जिहड़ा उपरला पोर्शन जलदा क्योंकि मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल देख के करके वो तो मैं इस करके पूछे विज्ञानिक तत्व तो विज्ञानिक आधार नाल समझाओ ताकि दर्शकों को पता लग सके क्योंकि ये जिस वेले जल्दी है ना पराली उपरों जल जाती है थले का पोर्शन रह जाता जड़ रह जाती है जड़ रह जाती है जड़ रह जाने का मतलब यह है कि उस दूसरी चीज़ है जिस वे इन असी राख में वो मिलाने उस वेले उस जमीन के अंदर सानू कई कैमिकल पाने की लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि ज़्यादातर असी अगर उन्होंने रखांगे तो वो अगर ये कहें जी कैमिकल पा के उन्होंने खत्म किया जाए लेकिन वो जमीन की जी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है यदा मतलब तुम किसान बर्बाद करना चाहते हो। मेरा मकसद ये है कि तुम एक इंसान की जिंदगी ना खेल रहे हो, वह असर अगे साडे लोगों पर भी होएगा तो उन्हें बीमारियां बदनगियां घटनगियां नहीं। अगर किसान अग लगा आ 2 मिनट तो ज़्यादा धुआं नहीं रहा, CNG है, CNG 2 घंटे के 100 किलोमीटर रन कर जाती जिदे अखा का और फेफड़िया का कैंसर होंगे। सरकार ने अच्छे उत्ते एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, सरकार तो कह रही है कि CNG बहुत सेफ है तो CNG प्रमोट किया जा रहा है। ये गुजरात हाई कोर्ट ने इस चीज़ को किया क्योंकि वो अंदर एक नैनो कार्ब आर्टिकल्स पैदा होंगे जिदे फेफड़िया का और अखा का कैंसर होंगे। ये अगर गैस लीक भी कर जाए तो इनू जलन जलाउण की लोड़ नहीं पैंदी, उहदे नाल आदमी का जिहड़ा बॉडी का जिहड़ा मसल्स आ खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहला ये गैस CNG गैस मेडिकल के अंदर इस्तेमाल की जाती सी जिन्हों असी फ्रीजिंग कहिंदे सीगे, उस तो बाद इंडिया के आई घरां दे विच जलाउण वास्ते भी आई, उस तो बाद इन्हां ने नहीं चलिया। अमेरिका दे विच सब तो ज़्यादा आ, क्यों नहीं अमेरिका अपनियां गड्डियां चलाउंदा? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आम आदमी की लाइफ खतरे च है। किसानी संघर्ष को किवें देख रहे हो पंजाब दे विच हरियाणे दे विच खास तौर पर पंजाब च क्योंकि हरियाणे दे विच सरकार जिहड़ी उह भाजपा की है इस करके उत्थे किसानी संघर्ष मठा है या सरकार दब लैंदी है उस तरीके नाल, पर पंजाब दा किसानी संघर्ष तुसीं भी वख-वख किसानी मोर्चियां ते जा रहे हो, किसान लगातार लग्या होया बैठा 1.5 महीने तो बैठा पर केंद्र सरकार का जिहड़ा रवैया वह अड़ियल है, राष्ट्रपति ने मिलन का समा नहीं दिता, प्रधानमंत्री गल सुन तैयार नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कानून रद्द किए अपने वालों जो भी किया, मुख्यमंत्री धरना दिल्ली के लाना पै रहा है, केंद्र का रवैया तो पंजाब का किसानी संघर्ष इसका भविख की देखते हो आने वाले समय च?
ये इस तरह जी मेरे को मतलब इस समूह बॉर्डर की स्पीच तो बाद मेरा ख्याल है इंडिया की कोई स्टेट नहीं जितों मैं फोन नहीं आया और मैं खुला चैलेंज दिता। दूसरी चीज़ है कि जेडे किसान दे नाल हो रहा ना ये आम आदमी तक धक्का जाएगा क्योंकि जिहड़ी चीज़ अज कोऑपरेटर दे हाथ चली जाएगी ना अज जिहड़ा आटा असी 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं ना ये 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए तक भी जाएगा क्योंकि ये साबित करते हैं कि जी असी फस्ट टाइम के 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं खेत का। एक एकड़ का 1.5 लाख देने का मतलब है कि आम किसान दूसरे किसान 50,000 तो उपर नहीं दे सकता। जब जरा ठेका जा रहे हो साढ़ा 40-45-50,000 वो तो वह 60,000 रुपये ठीक है ना। जब डबल देगा तो उसकी गेहूँ की कीमत कितनी होगी 3 गुना होगी 6,000 होगी 2,000 वह रख रखाव हो गया 8,000 होगी फिर वो लेबर का खर्चा हो गया वह प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये एक हो गया। अज किसान कीमत क्यों नहीं दी जा रही वो सीधी किसान दे दो जी कारपोरेट राही देनी मतलब यह है कि वह उस चीज़ की गेम खेल रहे ये मेन गेम इन्हों की क्या आ कि इस वेले नरेंद्र मोदी ने देखा कि उसके किसान कोर्ट च नहीं जा सकता किसान उसके लोन ले लेगा तो कोऑपरेटर तो किसान पे करेगा क्यों पे करेगा अगर वो कीमत जी 1 करोड़ आ 75 लाख लोन लै गया वह 75 लाख लैन तो बाद अगले साल उन्हें कहता जी मैं तो थोड़े खेत छड़े उस तो बाद 75 लाख किसान कितों देगा वह। इस तो पहला भी तुसी केंद्र सरकार ना पंगे लेंदे रहे हो तुसी राष्ट्रपति नूं भी चिट्ठियां पाईयां तुसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब PMO ऑफिस नूं भी तुसी चिट्ठियां कढ़दे रहे हो। करोना महामारी जिहड़ी कि दुनिया भर दे विच वड्डा पैनडेमिक बन के उभरी है दुनिया भर के जिहड़े विज्ञानी आ उह करोना करोना दा रौला पा रहे आ अखीरली टिप्पणी तुसी प्रधानमंत्री नूं करोना बारे भी चैलेंज कीता सी उह की मामला सारा उहदे विच इस तरह कि एक गेम खेली गई है एजेंडा 21 जिहदे विच साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट की आ कि मैं 2022 तक अपने देश दे 70 करोड़ लोग मार दूंगा। 70 करोड़ लोग मारन का मतलब यह आ कि जब साडी WHO की रिपोर्ट यह कह रही है कि हर साल TB दे नाल 4 लाख लोग मरते हैं दूसरिया बीमारियों के नाल तकरीबन 2 लाख लोग मरते हैं उहदे विच 6 लाख लोग हर साल मरते हैं। इस बार लोग हॉस्पिटल नहीं गए तो इस चीज़ का साबित हो गया कि अद्धे तो ज़्यादा बीमारियां ना दवाइया ना लगदिया क्योंकि इस बार इन्हों का जो टारगेट है 1 लाख तो उपर नहीं गया हाले तीन तुम भी देखा होगा जब 1 लाख तो उपर नहीं गया तो यह मतलब बीमारियां हॉस्पिटलों से पैदा हो रही अज अगर पब्लिक नहीं जा रही अज 1 लाख के उत्ते डाटा रहा तो क्यों रहा यदा मतलब यह आ कि साढ़े ये जी गेम आ पूरी प्रॉपरली खेली गई है जिदे चाइना और अमेरिका और इंडिया इन्होंने तीन ने बहुत बड़ा हाल लिया क्योंकि करोना नाम का जो वायरस है वह नहीं बनाया ना बनया क्योंकि बिल गेट्स की एक गेम है कि उसके बाद एजेंडा 21 के तहत वो जरा वैक्सीन का रौला पै रहा वैक्सीन इन्ना खतरनाक है कि वह थानू टेक ओवर करे बंदे इंजैक्शन लगन तो बाद अपनी मैमरी खत्म हो जाएगी इनविजिबल चिप लगाने तो बाद आदमी उन्होंने कंट्रोल हो जाएगा बाई सैटेलाइट वह बंदे हैंडल किया जाएगा। अगर तुम जाके सिविल हॉस्पिटल कहने जी मैं कोई विज्ञानक आधार देखे चैक किया जी चिप वाली गल कर रहे हो क्योंकि जो नोटबंदी हुई थी उदो वे नैशनल चैनल भी चिप्पा का रौला पाते थे नोटों के तुम कोई यदा विज्ञानक आधार या यदा कोई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण के आधार से कोई स्टडी की है साढ़े हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा कि एक चिप लगाई जाएगी जिदे अंदर थोड़ा रिकॉर्ड रहेगा इनविजिबल चिप मेन ज़्यादातर बॉडी के उस पार्टन के उत्ते लगती है जिस तरह साढ़े ये जगह सॉफ्ट होंगी है इतों असी इलैक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता दूसरी चीज़ ये होंगी है कि जितों असी पैदा कर सकते हैं। अगर हदा हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहा कि जी चिप लगानी जरूरी आदा रिकॉर्ड रहेगा थोड़ा क्या वैक्सीन हो वैक्सीन तो मैं अज तो पोलियो ड्रॉप्स है बच्चों दिती जाती है किस बच्चे 1,000 रुपया दिता जाता जिहड़ी कंपनी वैक्सीन पोलियो दे रही है वह 1,000 रुपया पर बच्चा दे रही है क्यों नहीं सरकार ने अच्छे दिता सिर्फ नोट कट्ठे करने तक मतलब है अज भी उस चीज़ का 18,000 बंदा का इस बंद ने कॉन्ट्रैक्ट करके 18,000 करोड़ रुपया उस आदमी को चुकया जिस आदमी ने वैक्सीन देना इन्हों। सो ये डॉक्टर प्रदीप रामगढ़िया ने इन्हों को अपने तथ्य ने इन्हों को अपने विचार ने काफ़ी लंबे समय तो जिदा दस्या 20-21 साल तो यह स्टडी कर रहे विज्ञानक सोच भी रखते सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं किसान जथेबंदियों के धरने मोर्चों के भी लगातार पहुँच रहे हैं इन्हों के अपने पक्ष ने इन्हों के अपने तत्थ ने जिन्हों तत्थों के आधार के उत्ते
लगातार केंद्र सरकार भी टारगेट करते रहेंगे तो किसान संघर्ष या सोसाइटी के जिन्ने संघर्ष ने उन्होंने संघर्षों अपने नज़रिए दे नाल वेखण दी कोशिश करदे आ ते सोसाइटी नूं जागरूक करन दी कोशिश करदे रहिंदे आ। करोना बारे भी इन्हां दे अपने एक विचार ने, क्योंकि इन्हां ने अपनी एक स्टडी की हुई है, इन्हां ने अपना एक अध्ययन किया, उस तो बाद पराली नूं साड़न नूं लैके इन्हां दा अपना एक विज्ञानक आधार है जिस दी इन्हां ने स्टडी की है, जिस दी इन्हां ने खोज पड़ताल अते अध्ययन किया होया। प्यारे दर्शकों, इस वक्त किसान मोर्चा जिहड़ा तुसीं देख सकते हो कैमरे की अख दे नज़र दे नाल वॉइस ऑफ पंजाब टीवी तुहानूं लगातार दिखा रहा है कि इस मोर्चे दे विच ना सिर्फ किसान मजदूर विद्यार्थी जथेबंदियां बल्कि साडियां आशा वर्कर बीबियां दी जिहड़ी यूनियन है वह भी पहुंचियां हुई ने, क्योंकि आशा वर्कर एक तबका है जिहड़ियां बहुत नगूने जे बड़े नमाणी जी एक तनखाह दे उत्ते सेवा फल दे उत्ते सरकार दीयां सेवावां जिहड़ियां ने निभा रही हुंदियां ने ते इन्हां दीयां वख-वख मुश्किलां हुंदियां ने। इस वक्त तुसीं देख सकदे हो कि इस किसान चक्का जाम दे विच जिथे सड़क पूरे तरीके नाल जाम है पर फिर भी कुछ लोग घरां तों निकल रहे ने, सहयोग नहीं कर रहे। जिदां मैं पहलां कहा सी कि लगातार इस कॉल की गल पहुंची हुई सी सोशल मीडिया के राही भी, तो वख-वख जिहड़े साडे कोल सूचना माध्यम ने उन्हां दे राही भी पहुंची हुई सी, पर देखो इस वक्त इस धरने दे विच किसान मजदूर अते बाकी भरातरी जथेबंदियां लगातार इस धरने नूं इस चक्का जाम नूं सफल बनाउण दे विच अपना योगदान पा रहियां ने। मेरे वीर किसान वीर कहंदे ने कि सानू जथेबंदियां दा ही नहीं पता, पर इह जथेबंदियां 12-13 साल तो इत्थे काम करदियां ने। जथेबंदियां दी गिणती मैंबरां दी गिणती या अहुदेदारां दी गिणती घट होण कारण इलाके गतिविधि जरूर थोड़ी हुई है, पर थोड़े साथ की लोड़ है। कानून काले सरकार पैणे वापस करने। इस वक्त लालड़ू दे विच आईटीआई चौक दे विच जिहड़ा किसान चक्का जाम है वह पूरा भखिया है। 12 बजे तो लैके 4 बजे तक का चक्का जाम की जिहड़ी कॉल है समूह किसान जथेबंदियां भारत दी समूह किसान जथेबंदियां समेत पंजाब दीयां 30 किसान जथेबंदियां अते नाल जिन्नियां भी भरातरी जथेबंदियां हुंदियां ने, भरातरी जथेबंदियां दे विच किसान मजदूर जथेबंदियां विद्यार्थी जथेबंदियां आढ़ती एसोसीएशन अते इस तों इलावा आंगनवाड़ी अते आशा वर्कर यूनियन जिहड़ी है पंजाब दी जिहड़ी C2 दे अंडर काम करदी है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन दे अंडर काम करदी है। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन भी इस धरने के बीबिया भैन साडिया शमूलियत करन दे लई रज के पहुंची हुई हैं। जिदा मैं पहला दस्या सी कि यह वो तबका है आंगनवाड़ी अते आशा वर्करस वो वर्करस ने जिहड़ियां सचमुच नीहां दा काम करदियां बेस ग्राउंड दा, बड़ी निगूणी जी तनखा बड़ा निगूणा जिहा माण भत्ता उस दे उत्ते सरकार दे लई लगातार काम करदियां, परंतु इन्हां दे काम दे विच भी सरकार किते ना किते ऐसी दखलअंदाजी करदी है जां इन्हां दे नाल ऐसा वितकरा किया जाता कि यह भी सरकारां दे फैसलों तो नाखुश होंदियां ने। साडे नाल आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन मोहाली दे प्रधान ने, सत श्री अकाल, पहला स्वागत है, की नाम भैन जी तुहाडा? मेरा नाम गुरप्रीत कौर। भैन जी तुसीं अज इस धरने दे विच पहुंचे हो, किसानां दे धरने दे विच पहुंचे हो, तुहानूं क्यों लोड़ महसूस होई कि आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन नूं या आशा वर्करस नूं किसानां ते मजदूरां दे इस धरने दे विच अपना साथ देना चाहिए? जो अज किसानों के नाल हो रहा है सर अपने नाल 30 सालों तो यही कुछ हो रहा है जी, इस करके आपूगा भी आप अज किसान का साथ देवे, आप डेली सड़कों पर रुलते रहते हैं जी, कल किसान भी साढ़े नाल तुरन गए जी। हाँ जी, तुहाडियां मुख मंगा की होंदियां ने आंगनवाड़ी जिहड़े वर्कर वर्करस ने या आशा जिहड़ियां वर्करस ने, इन्हां दे नाल सरकारां किस तरीके दे वितकरे करदियां ने, किदां दे जिहड़े औखियाईयां ने उहदे विचों तुहानूं आंगनवाड़ी दी जिहड़ी बीबियां ने भैणां ने जां आशा वर्करस ने निकलना पैंदा? देखो सर, 3 तो मेन गल तो 3 तो 6 साल के बच्चे सीगे, 3 तो 6 साल के बच्चे उही साढ़े कोल आ रहे सीगे, हुण इन्हां ने एक नवां मतलब कि छोछा छड्डिया है उही प्राइमरी स्कूल नूं। हाँ जी हाँ जी, हूँ आप वेले हो गए बिल्कुल ही, मतलब जो मोदी सरकार है बिचे आप कैप्टन भी कहेंगे जी, आप पंजाब दे विच रह रहे हैं, अपने नाल तो पंजाब ही धक्का कर रहा है, अपने 7500 रुपये दे विच सारा आप पिंड का जिन्ना भी सर्वे है, कोई मौत है गर्भवती जनानी तो लेके जब तक उसका बच्चा नहीं हुंदा और 6 साल का नहीं हुंदा जब तक आप उन्होंने पूरी देख रेख करते हैं जी, टीकाकरण करवाना जो भी है सारा एक आंगनवाड़ी वर्कर सारा रिकॉर्ड
ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਜਨਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਸਿਰ 75 ਰੁਪਏ 75, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? 75 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ? 6-6 ਮਹੀਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਹਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੌਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਝੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਕਰ ਇੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬਜੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ 4 ਵਜ ਰਿਹਾ, 5 ਵਜ ਰਿਹਾ, 10 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਲ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪਾਰ ਦੇ, ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 7500 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਹਰੋ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ
उस संघर्ष के चक्का जाम के अपना सहयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब विधानसभा के कैप्टन अमरिंदर सिंह होर ने इन कानूनों के खिलाफ जोड़ा बिल लैके आए थे उदों समर्थन किया पर उस तो कुछ मिनटों बाद कुछ घंटों बाद ही फैसला बदल गए थे। दिल्ली के सरकार है इतने तुम किसान का समर्थन कर रहे हो सहयोग कर रहे हो क्योंकि किसानों के पुत्रों तुम आप किसानी करते हो जिम्मेदारी करते हो पर दिल्ली असेंबली हुण तक इन बिलों बारे कोई स्पष्टता का रुख नहीं अपना सकी। देखो जी आप कुछ दिन पहला जंतर मंत्र साढ़े दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सरेआम के अनाउंसमेंट करके गए हैं कि अगर पंजाब के अंदर 2022 साड़ी सरकार आएगी सेम दिल्ली के पैटर्न से ही असं सारे संविधान कानून पंजाब च लागू करेंगे। नहीं पर दिल्ली पर दिल्ली हूं तक अपनी असेंबली मता क्यों नहीं लगे मन गए थोड़ी गल जिदे अंदर कुछ काम होंगे ने प्रोटोकॉल के मुताबिक अज बीजेपी की सरकार केजरीवाल काम कितने कर रही है शासन प्रशासन के उपर पूरी तरह हाइक किया हुआ इन्होंने सारा पर असेंबली असेंबली तो है सर असेंबली के अंदर कुछ मते केजरीवाल साहब ने पास किए पाए हैं और आने वाले समय के देखियो तुम पंजाब के हालात को देख के अज केजरीवाल साहब ने और पंजाब के आवाम ने एक मन बना चुका है अज किसानी इस किसान के अज जंक्शन है जोड़ा धरना ये मैं सियासी गल ना कर दो थोड़े चैनल के थ्रू मैं कहना चाहना मोदी साहब बाज आ जाओ इन्हें घरौनी अड़कों तो यह पंजाब के लोग है ये परवाना है ये दीवे तो सड़के सुहा हो जाएगा इन्हों लोगों ने मोदी इन्होंने व्डे व्डे अंग्रेजों ने नहीं बख्शा मोदी कितने बख्शन गए लोग एक गल होर सामने आती है लगातार के कई किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो भी अदालतों का प्रगटावा कर दी पर जिवें कल दिल्ली के जंतर मंत्र से मुख्यमंत्री ने धरना दिता आम आदमी पार्टी ने सहयोग देखो देखो दो चीजा पंजाब के अंदरों जब पंजाब का वफद भगवंत मान की रहनमाई के अंदर केजरीवाल जी को गया उत्थे उन्होंने बिना झंडे डंडे और लोगों तो बगैर जो कॉन्फ्रेंस की है जंतर मंत्र से धरना दिता आ पंजाब के मुख्यमंत्री का हाथ देख लो कांग्रेस से टैग ला के जंतर मंत्र नहीं पर कल जंतर मंत्र से टैग ला के कांग्रेस लोक इंसाफ पार्टी ने खेरा ने अकाली दल डेमोक्रेटिक ने अकाली दल डेमोक्रेटिक ने सब तो बंद देखो जी सियासी आगू ने एम एल ए तो है कला बंदा खेरे की गल ना करो गल करो जी पंजाब की पंजाब के अंदर खेरे ने भी राजनीति की है आम आदमी पार्टी मतलब किसानों खड़ूगी आम आदमी पार्टी कवायद शुरू क्यों नहीं करती आम आदमी पार्टी कह रही है कि असीं बिना झंडे बिना डंडे तो यानी कि अपने निशान तो बिना किसानों को लगातार समर्थन जिहड़ा दिंदे रहांगे देखांगे क्योंकि हरेक राजनीतिक आगू की जिहड़ी गल है वह 2022 जा के खड़ जांदी इन्होंने भी स्पष्ट किया कि 2022 दे विच सरकार बनती है किसानों मजदूरों को आम लोगों को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां कितने ना कितने 2022 दे उत्ते इन किसान अंदोलन वरत सकदियां ने। वॉइस ऑफ पंजाब टीवी लगातार इस चक्का जाम के उत्ते तुहाडी तुहानू अपनी जानकारी दिंदा रहेगा इस तो बाद अगली तस्वीर जिहड़ियां होणगियां उह तस्वीर तुहानू हरियाणा तो दिखाउण की कोशिश करेंगे जिधर किसान ने दूसरे पासे तो हरियाणा नूं जाम कीता होया। धन्यवाद। इस वक्त असी पिंड जड़ौत की तुहानू सिचुएशन दस दिना पिंड जड़ौत अंबाला तो जदों असी पंजाब दे विच एंटर करते हैं लालड़ू तो पहला दा जिहड़ा एक स्टेशन है जिथे बैरीगेटिंग पंजाब पुलिस ने की हुई है ताकि जिहड़ा 12 बजे तो लैके 4 बजे तक का जाम से उस जाम दे विच कोई कोई भी विघन ना पवे पर साढ़े नाल कुछ सवारियां ने कुछ औरतां ने बच्चे ने मर्द ने जिहड़े बसां दे राहीं अपने घरां तों सफ़र दे उत्ते निकले बसां दे विच सरकारी बसां दे विच पर ज्यों ही 12 बजे तो बसों वाले ने बसा रोक दत्तियां इन्हां ने जिथों चल के जिथे पहुँचना सी उत्थों दियां टिकटां कटा लीआं उह टिकटां दे पैसे भी इन्हां दे गए अते बसों वाले ने इन्हां नूं सड़क दे उत्ते उतार दिता। इन्हां दियां अपनियां परेशानियां ने वो परेशानियां की ने क्योंकि लेडीज़ ने अपने घर पहुँचना बड़ी दूर तक का सफ़र होएगा 3-3, 4-4 घंटे की उड़ीक बच्चियां समेत बड़ी औखी हो जाती है। भैन जी कितों आए हो तुसीं? कुरुक्षेत्र से आई हूं मैं तो। कुरुक्षेत्र से कितने बजे चले थे आप?
टाइम नहीं मैंने देखा, 10 बजे चली। तो बस वाले ने कहाँ उतार दिया? इधर ही उतार दिया बस वाले ने, तो टिकट भी कटवाई थी मैंने तो। आपने कुरुक्षेत्र जाना कहाँ था? जाना मेरे को डेरा बसी। आपने कुरुक्षेत्र से डेरा बसी की टिकट ले ली? डेरा बसी की, और आगे रामगढ़ जाना मेरे को, डेरा बसी की टिकट ली थी मैंने कुरुक्षेत्र से। तो आपको बस वाले ने बताया नहीं था कि 12 बजे बंद हो जाएगी बस? नहीं, कोई बस वाले ने नहीं बताई, हमारे को बोला नहीं है, बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बोलना चाहिए आपको, इधर आके बोल रहा उसको ले गया दुड़ा के बस, वो नहीं कोई लिखा टिकट भी दूसरी बस में जाना, ऐसी टिकट ले रहे हैं हमसे। आपको टिकट के पैसे वापस किए बस वाले ने? नहीं किए, ऐसे चले गए वो तो, ऐसे चले गए, ये करनाल से आ रहे हैं, इनको भी नहीं। अब आगे का किराया आप दोबारा फिर दोगे? दे देंगे, क्या करें भी, मर्दे भाई बंदे, और क्या करें। अब ये तो जाम अब जो है 4 बजे तक चलेगा, तो 4 बजे तक यहीं बैठेंगे, बैठोगे इंतजार करोगे? बैठे और क्या, इसमें जाम है, कोई साधन नहीं हमारे पास जाने का। बहन जी बात ये है कि हरियाणा में और पंजाब में तुम डेरा बसी रामगढ़ के कोले जाना सी, ये तो 15-20 दिन तो किसान जथेबंदियां ने, किसानों ने कहा होया सीगा भी असी अज दे दिन यानी कि 5 तरीक नूं भाई 4 घंटे चक्का जाम करांगे, तुहानूं पता नहीं सीगा? नहीं मैनूं नहीं पता था जी, बस वाले को तो देखना चाहिए था, बस चलाई है, क्यों चलाई बस, क्यों चलाई सरकार ने बस, हाँ रोकनी चाहिए थी बस, हाँ गलती सरकार की है, किसानों की है, किसान ना की, सरकार की गलती, चला रखी है बस, क्यों चलाई है बस इन्हें पैसे लूटने के लिए। सरकार नू पहला ये ध्यान रखना चाहिए सी कि जे 12 बजे चक्का जाम की कॉल है तो 11 बजे तक सवारियों नू कह देना चाहिए सी कि भाई इस तो बाद सफर नहीं होना। किसानों के नाल हो तुसी? किसानों के नाल, और क्या, सरकार नाल है, सरकार ने गुंडागिर्दी मचा रखी। अजी जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, किसान पिछले 1.5 महीने से बैठे हैं भाई, भी हमारी मांगे मानो, आप किसानों का समर्थन करते हो या सरकार का करते हो? जो जो सरकार कानून लेके आई और किसान कह रहे हैं हमें कानून मंजूर नहीं, आप किसके साथ हो, सरकार के साथ के किसान के साथ? हम तो किसान के साथ हैं, सरकार क्या ले रही है, तो सरकार ने तो ना सुना रखा है किसान है। आप बहन जी कहाँ से आ रहे हो? करनाल से भैया। कितने बजे चले थे आप सुबह? हम सुबह 9 बजे चले थे भैया। तो कौन कौन आपके साथ, आपके बच्चे हैं? हाँ जी। आपको भी पता नहीं था कि बंद होगा, चक्का जाम होगा? नहीं नहीं, बोला ही नहीं उसने उधर वहाँ पे। अम्बाला से बस ली थी आपने? नहीं नहीं, करनाल से। करनाल से सीधी, जाना कहाँ था आपको? डेरा बसी। तो अब परेशानी 4-5 घंटे के लिए यहीं रुकना भैया, यहीं पे और कहाँ जाएंगे। ये समझने वाली गल है कि हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज या सरकारां या उड़े डिपार्टमेंट ने, विभाग ने, रोडवेज डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इस गल का पहला इलम सी जदों के किसानों ने 4 घंटे लिए चक्का जाम करना 12 बजे तो लैके 4 बजे तक, तो ये छोटे छोटे बच्चे ने, ये औरतों ने, लेडीज़ ने अपने घरों निकलियां, तो पहला दस देना चाहिए सीगा। ये दिक्कतां जिहड़ियां, ये मुश्किलां आम लोगों दी जिहड़ियां परेशानियां ने, इन्हां परेशानियां नू भी ध्यान दे विच रखना चाहिए है पहला सरकारां, सरकारां नू या उन्हां अदारियां नू, उन्हां डिपार्टमेंट्स नू, क्योंकि किसान जथेबंदियां दी या किसानां दी कोई गलती नहीं। उन्होंने अज तो 15 दिन पहलां दा ऐलान कीता होया कि असीं 5 नवंबर यानी कि अज दे दिन चक्का जाम जिहड़ा है वह पूरे भारत दे विच करांगे। कारां वालिआं नाल गल करांगे जिहड़े जिहड़े सड़कों के उत्ते अपनी गड्डियां लई फिरदे आ, क्योंकि सब तो वध सिक्ख्यत कारां वाले ने, उन्हां कोल सोशल मीडिया के राही हर खबर हर अपडेट पहुँचती है। ये तो आम लोग ने, हो सकता कि अखबार ना पढ़ते हो सकता कि खबर ना पहुँचदियाँ हुण, पर उन्हां कारां वाले नाल गल करांगे जिन्हां नूं सारा कुछ पता होने के बावजूद भी जिहड़े सड़कों के उत्ते निकले हुए ने। तुहानूं एक फर्क दिखाउण की कोशिश करदे आ वॉइस ऑफ पंजाब टीवी के कैमरे की नज़र के नाल। फर्क यह आ कि इस वक्त असीं जिथे खड़े हाँ, ये जगह जिहड़ी है, ये हदूद जिहड़ी आ हरियाणा स्टेट दे विच पैंदी है। इस तो महज़ 20 मीटर तुसी पिछे चले जाओगे, मतलब मेरे सामने वाले पासे अगे नूं चले जाओगे तो पंजाब दे विच दाखल हो जाओगे। जिथे मैं खड़ा इस वक्त ये हरियाणे की हदूद है, इस वक्त असी हरियाणे दे विच हां। सरकारां दे अंतर किस तरीके नाल हुंदे आ, क्योंकि केंद्र दे विच भाजपा की सरकार है तो दूसरी हरियाणे दे विच भी इस वेले BJP की सरकार है। सो हरियाणा दे विच जिहड़ा देश व्यापी किसानां ने चक्का जाम दा जिहड़ा कॉल दित्ती सी, जिहड़ा सद्दा दित्ता सी हरियाणा दे विच, उस सद्दे दा असर जिहड़ा है तुहानू बिल्कुल नगूणा देखण नू मिलेगा। जिथे किते पंजाब दीआं हद्दां लगदीआं ने उत्थे जरूर किसान बैठे ने, उत्थे लोकां ने गड्डियां अपने आप रोक लईआं होईआं ने, पर कैमरे दी नज़र नाल पिछे देखो तुसीं कि हरियाणा पुलिस आप मैनेज कर रही है कि किस तरीके नाल लोकां दी जिहड़ी आवाजाई है, गड्डियां दी ट्रैफिक जिहड़ी आवाजाई है, उस नू वक्खो वक्खरे जिहड़े सब रस्ते ने उन्होंने डायवर्ट करके मंजिलों तक पहुँचाया जाए। मतलब कि सरकारां दी राजनीति का फर्क तुहानूं इस गल तो साफ नज़र आ जाता हुंदा है, या सरकारां दे काम करन दे नज़रिए दा, सरकारां दे
लोगों नाल सरोकारां दे फर्क तुहानू इस तरीके नाल नज़र आ जांदे ने कि सद्दा भावें भारत दे विच चार घंटे दे चक्का जाम दा दित्ता गया सी, पर जिस सूबे दे विच बीजेपी दी सरकार आ उत्थे चक्के जाम नहीं होए बल्कि चक्के अपनी रफ्तार नाल घूम रहे ने, ते लोगों नू वी इस गल नाल कोई फर्क पैंदा होया नज़र नहीं आ रहा कि देश दा अन्नदाता देश दा किसान जेकर खेती कानूनों का विरोध कर रहा है तो वह सचमुच उन्हां खेती कानूनों अपने उत्ते या अपनी खेती के उत्ते या अपनी जमीनों के उत्ते लागू होया नहीं वेखना चाहता। लोग इस चक्का जाम की परवाह किए बिना हरियाणा के खास तौर के उत्ते आराम नाल अपनी अपनिया मंजिलों वल वधदे हुए आराम नाल अपने कामकारां करते हुए तुसी वॉइस ऑफ पंजाब टीवी के कैमरे के नज़र नाल वेख सकते हो। सर की नाम है जी तुहाडा? निखिल जी। निखिल जी, आपको पता था कि आज का चक्का जाम किया हुआ बंद किया हुआ? नहीं जी। क्या बात, अखबार या टीवी नहीं देखते, मीडिया नहीं पढ़ते? सर बिजी था मैं, कहीं अपने फैमिली फंक्शन में, इसलिए बिजी था, पता नहीं चला। तो इससे कोई दिक्कत आ रही है? आपने ट्रैफिक सारी बंद की हुई है, सारी सड़कें बंद की हुई है? बहुत प्रॉब्लम है जी, चंडीगढ़ से अम्बाला पहुँचना था। आप चंडीगढ़ से निकले अम्बाला के लिए? हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम हो गए, सुबह से निकला हूँ, अभी 2 बजे पहुँचा हूँ। तो किसान गलत कर रहे हैं सड़क बंद करके? तो फिर सर ये तो किसानों को पता होगा, अगर किसान ना रहे तो खाएंगे कहाँ से, ये समझने वाली बात होगी। आप समझने वाली है नहीं, तो आप किसानों के साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? किसान अपनी जगह सही है सर, लेकिन घर से निकलना मजबूरी है, 4 घंटे के लिए सहयोग नहीं कर सकते हम भी। हाँ जी। पीछे जाम की स्थिति कितनी बनी हुई है? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी, चंगे तरीके हो सकती है। कितों चले हो तुसी? मैं आया जी इतों की अपना लांडरे तो। लांडरा तो आयो, तो किन्ना क जाम मिले रास्ते दे विच? रास्ते बहुत परेशानी हो रही है जी। अज का पता नहीं सी कि अज दे चक्का जाम दी दस्या होया किसानां ने? ना जी ना, किसी ने कुछ नहीं दस्या जी। पर किसानां दे नाल खड़ोगे, क्योंकि किसान ना बचिया तो फिर बचना कोई होर भी नहीं। हाँ जी, जे जिमीदार या किसान ना बचिया तो फिर आप खावांगे कित्थों? हाँ जी, आ ते आ जी, फिर लोगों नूं सहयोग करना चाहिए सी। 3-4 घंटे कहा सी वी गड्डियां बंद कर दो, क्यों नहीं कीतियां? बस की करिए जी, सब दियां आपो अपनियां निजी मजबूरियां ने जिहड़ियां ना, निजता तो जदों तक उपर नहीं उठते उदों तक अंदोलन संघर्ष कामयाब नहीं होंदे होंदे। पर यह गल कौन कहे सरकारां नूं, यह गल कौन समझावे कि सानू इस निजता तो उपर उठना पएगा, फिर कितने जाके एक नैशनल जिहड़ा है जिहड़ा एक राष्ट्र पद्धर का कोई हल है वह हल किसानां दी इस समस्या का हो सकता। परंतु जिहड़े भी 2-3 लोगों नाल गल कीती आ अणजाणता प्रगट करदे ने कि सानू तां बिल्कुल नहीं पता सी कि किसानों ने अज भारत दे विच चक्का जाम की जिहड़ी है वह सद्दा दिता होया सी। इह इस गल की बेरुखी नूं चंगे तरीके नाल दर्शाउंदा है कि असी मतलब कुल मिला के असी किन्ने एक दूजे तो वखरेवें पैदा आपस दे विच कर ले आ, भावें कि जमाना सोशल मीडिया दा, पल पल की खबर हर बंदे दे सैलफोन दे विच पहुँचदी रहिंदी आ।